सर ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है विजुअल एक्यूटी हम लो विजन के पेशेंट में कैसे लेते हैं। लास्ट टाइम जब हम यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस क्लासेस थी तो ए ग्रुप को मैंने पढ़ाया था, एक ग्रुप रह गया था, तो ये उनके लिए है और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए ये एज अ रिवीजन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लो विजन? लो विजन को कौन डिफाइन करेगा? सर मैं कर लूं? जी जी करें करें, श्योर। सर लो विजन उन पेशेंट को कहते हैं जिनकी विजुअल एक्यूटी 6/18 से मतलब कम हो और उसकी विजुअल फील 10 डिग्री से भी मतलब लेस हो। ठीक हो गया। कुछ और भी ऐड इसमें करोगे या बस इतना बता दिया तो काफी है? सर मुझे तो नहीं आता है। कोई और कुछ ऐड करना चाहे? इधर कोई कह रहे हैं द बेटर आई? यस, ये जो आपने फिगर्स बताई हैं कि लेस देन 6/18 हो, दैट मस्ट बी इन द बेटर आई। ये पहली कंडीशन होती है लो विजन की डेफिनेशन के लिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो नॉन ट्रीटेबल हो। विजन 6/18 से कम है लेकिन उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को -5 का मायोपिया है तो उसकी विजन हो सकता है काउंटिंग फिंगर हो, पर जैसे ही आप उसको लेंजेज लगाएंगे -5 के तो हो सकता है वो 6/6 हो जाए। तो कंडीशन क्या है कि नॉन ट्रीटेबल हो, आप चाहे उसकी सर्जरी करें चाहे आप ऑप्टिकल कुरेक्शन दें, उसकी विजन बेहतर ना हो, तब आप कहेंगे कि वो लो विजन में का पेशेंट है। पहली बात आपने बोली कि 6/18 से विजन कम हो, 6/18 से कहाँ तक विजन हो तो वो लो विजन में ही आएगा। एक तो आपने कह दिया ना लेस देन 6/18, तो 6/18 से कहाँ तक? यस सिक्स सर ट्वेल्व उसकी सिक्स ट्वेल्व तो 6/18 से ऊपर विजन होती है, वो तो लो विजन में आता ही नहीं है। नहीं, 3/6/60। अच्छा, ये याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन में जो WHO की है वो कहता है कि लाइट परसेप्शन तक होता है, कि नो लाइट परसेप्शन होगी तब तो टोटली ब्लाइंड ही हो जाएगा ना। तो आप बोलेंगे सर विजुअल एक्यूटी लेस देन 6/18 टू लाइट परसेप्शन, और फिर उसके साथ ये भी बोलते हैं इन द बेटर आई और विच इज़ नॉन ट्रीटेबल, जिसको आप ठीक कन्वेंशनल मीन से नहीं कर सकते, तो उस पर फिर आप लो विजन एड्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपने महबूब ये विजुअल फील्ड का क्या बताया था? 10 डिग्री बोला था, 20 डिग्री बोला था? अच्छा, सर अब दो चीज़ें, कहीं पे आप डेफिनेशन देखेंगे वहाँ 20 डिग्री लिखा होगा, लेस देन 20 डिग्री, और कहीं पे लिखा होगा 10 डिग्री। जहाँ 10 डिग्री लिखा होगा वहाँ आगे लिखा होगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ फिक्सेशन, और जहाँ 20 डिग्री लिखा होगा वहाँ लिखा होगा इन द लार्जेस्ट डायमीटर। अब लार्जेस्ट डायमीटर सर के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। जी जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब लार्जेस्ट डायमीटर क्या है या पॉइंट ऑफ फिक्सेशन क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं। डिग्री फ्रॉम पॉइंट ऑफ जी जी 10 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है, 20 फ्रॉम लार्जेस्ट डायमीटर है। अब लार्जेस्ट डायमीटर और पॉइंट ऑफ फिक्सेशन क्या है उसको हम देखते हैं। विजुअल फील्ड जो है हमारे नॉर्मल वैल्यूज उसकी क्या होती है, सुपेरली कितना होता है विजुअल फील्ड नॉर्मल बंदे में? सर 90 सुपेरली में पूछ रहा हूँ, 50 डिग्री 50 सुपेरली हमारे 50 पास होता है 50, और नेजली कितना होता है? 60 60। 60 होता है, और इनफीरली 70 होगा। 70 जी, और टेम्पोरली कितना होगा? 90 डिग्री जी 90 डिग्री होता है। ये नाइनटी नॉर्मल वैल्यूज हैं। अगर मैं इसका यूँ विजुअल फील्ड ड्रॉ करूँ तो उसकी शेप कुछ इस तरह बनेगी, यूँ करके इस तरह, क्योंकि यहाँ वो कम है, इधर ज़्यादा है, इधर और ज़्यादा, इधर सबसे ज़्यादा है। तो अब ये मेरे पास विजुअल फील्ड है, तो अब मैं एक ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को मैंने कह दिया कि ये फर्स्ट लाइन है, इसको मैंने कह दिया सेकंड लाइन है। कौन सी लाइन आपको बड़ी लग रही है? फर्स्ट लाइन सर फर्स्ट लाइन। इसका मतलब हुआ कि जब हम लार्जेस्ट डायमीटर बोलेंगे तो वो पॉइंट होगा जो विजुअल फील्ड में सबसे लेंथी हो। जैसे इस डायग्राम में सबसे लेंथी हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन लार्जेस्ट डायमीटर है। अब लो विजन की डेफिनेशन के लिए डायमीटर क्या है कि लार्जेस्ट डायमीटर कितना हो? 20 डिग्री हो। जी, सवाल पूछें। सर ये जो आप लार्जेस्ट डायमीटर बोल रहे हैं ये HVID ही होता नहीं है। नहीं ये HVID नहीं, ये विजुअल फील्ड की मेजरमेंट्स हैं। ये मैंने ड्रॉ किया है ओके पेरीमेट्री विजुअल फील्ड, उसमें फिर अब जी डिफरेंट डायमीटर्स हो सकते हैं, जैसे लाइन 1 थी, लाइन 2 थी, लाइन 3 में यूँ ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन 4 में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब इसमें से लार्जेस्ट लाइन कौन सी है? 1 है। 1 जो है वो लार्जेस्ट डायमीटर हो अच्छा गया ना। अच्छा तो लो विजन की डेफिनेशन है कि ओके लार्जेस्ट डायमीटर में मिनिमम वैल्यू कितनी हो? 20 से कम हो।
यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके यस ठीक हो गया। अब ये तो लार्जेस्ट डायमीटर था, फिर अगर पॉइंट ऑफ फिक्सेशन लिखा हो, इसका मतलब होता है इसका पॉइंट ऑफ फिक्सेशन क्या होगा? सेंटर में होगा। तो अगर ये टोटल 20 है, अगर मैं सेंटर में कर दूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा? टोटल लाइन, टेन, टेन हो जाएगा, टोटल लाइन 20 है, टेन सेंटर से मैं मेजर करूं तो 10 हो जाएगा। तो जब हम सेंटर से यस मेजर कर रहे हों, तब हम पॉइंट ऑफ फिक्सेशन से मेजर कर रहे होते हैं, इसलिए डेफिनेशन में फिर जब पॉइंट ऑफ फिक्सेशन आप लिखेंगे तो आप 10 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि तब आप सेंटर से एक साइड पे मेजर कर रहे हैं। लार्जेस्ट डायमीटर लिखेंगे तो 20 चलेंगे। बोलेंगे, पॉइंट ऑफ फिक्सेशन बोलेंगे तो 10 डिग्री बोलेंगे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं यस सर यस इसको सर रिपीट कर सकता हूँ। तो ये तो लो विजन की थी डेफिनेशन। विजन चार्ट्स आपने पढ़े होंगे, हम स्नेलन चार्ट भी यूज़ करते हैं और हम लॉगमार चार्ट भी यूज़ करते हैं। इन इन लॉग दोनों चार्ट्स का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसमें से स्नेलन चार्ट कौन सा है? सर फर्स्ट वाला सिलेंडर है, सेकंड लॉग जी, ये हमारे पास है स्नेलन चार्ट और ये हमारे पास है लॉगमार चार्ट। अब इन दोनों चार्ट्स को आप देखें, क्या डिफरेंसेस आप बता सकते हैं चार्ट्स को देख के? इन दोनों चार्ट्स में क्या डिफरेंसेस है? जो सिलेंडर लाइन में फर्स्ट लाइन में वन लेटर है, सेकंड में टू, ये ठीक तो है, लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है तो ना। पहला डिफरेंस, माइक बंद कर दो। और पहला डिफरेंस इन्होंने बताया कि भाई स्नेलन में हमारे पास अनइक्वल लेटर्स हैं, किसी लाइन में वन है, किसी में दो है, किसी में तीन है। लॉगमार चार्ट में आप देखेंगे हर लाइन में पांच लेटर्स हैं। और कोई डिफरेंस, यस और कोई डिफरेंस जो नज़र आ रहा हो? सर क्राउडिंग है ना लॉगमार में, सर जी, इसमें आप, लॉगमार में क्राउडिंग सी नजर आ रही है बहुत ज्यादा, जी मतलब जी इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड क्राउडिंग, और इसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड। ऊपर एक लेटर है, लास्ट वाली लाइन में इतने ज़्यादा लेटर्स हैं, तो स्नेलन में हमारे पास अनबैलेंस्ड क्राउडिंग होती है, पर ETDRS या लॉगमार चार्ट में हमारे पास बैलेंस्ड क्राउडिंग होती है, ऊपर से ही क्राउडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कोई डिफरेंस आपको फील हो रहा हो? शेप को सर करके, मतलब जो वो जी, मतलब सिंपल्स सर दिखती है मैंने। ये डिफरेंट हो सकता है ना कि स्टर्नल को 6 मीटर पे परफॉर्म करते हैं जबकि लॉग मार्क 4 मीटर। जी बिल्कुल, लॉग मार्क को 4 मीटर पे करते हैं, स्नेलन को 6 पे करते हैं। क्या लॉग मार्क को हम 4 मीटर के अलावा किसी और डिस्टेंस पे कर सकते हैं? यस सर किस यस सर आई डिस्टेंस थिंक पे? 2 मीटर पे एंड जी देन टू, 1 मीटर पे एंड देन 1/2 मीटर पे। अच्छा मैं कहता हूँ 3 मीटर पे मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं 3 मीटर पे कर सकता हूँ? मेबी यस या नो यस कहो, ये सर मे बी वाली पार्टी अच्छी नहीं आई होती थिंक कर क्या? सकते हैं, आई थिंक कर सकते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, लॉगमार चार्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी डिस्टेंस। मैं 3 मीटर पे भी कर सकता हूँ, ओके सर सवा तीन भी, 3.5 भी, 4 भी, नहीं सर जी, सवा अगर दो 3 मिनट भी। पर काम करें फिर जो वैल्यूज आ जाते हैं ना डेसिमल इन पॉइंट्स की सूरत में जी जी आ जाते मैं हैं, उसी जिन उसी तरफ आ रहा हूँ। तो पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कैलकुलेट करने पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप किसी भी डिस्टेंस पे इसको कर सकते हैं, पर हम यूजुअली इसको करते किस पे? 2 मीटर्स पे करते हैं, या फिर 1 मीटर पे, या फिर 4 मीटर्स पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस आसान होती हैं, हम सिंपली वैल्यूज़ को डबल कर देंगे। जैसे अगर 4 मीटर पे 660 वैल्यू है, वो 2 मीटर पे 6/120 हो जाएगी, पर अगर मैं 3 मीटर पे लाऊं फिर वो वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी, इसलिए हम नॉर्मली इसको किस पे करते हैं? 4, 2, 1 या फिर 1/2 मीटर पे। लेकिन ये याद रखिएगा, हम इसको ओके किसी भी डिस्टेंस पे कर सकते हैं। यहाँ किसी ने बोला कि इसको हम 4 मीटर पे करते हैं, तो इस मीटर को अगर मैं फीट में कन्वर्ट करूँ तो कितने फीट पे हम करते हैं? जैसे स्नेलन चार्ट है, ये हम कहते हैं 6 मीटर पे होता सर है, एक बार या फिर 20 फीट पे होता है, तो ये कितने फीट पे होता होगा लॉगमार? सर 13 फीट जी 13 फीट, वेरी गुड। ये हम किस पे करते हैं? 13 फीट पे करते हैं। अच्छा, और इसमें मैं डिफरेंस एक दो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है लेटर्स का, वो उसका रेगुलर प्रोग्रेशन है इक्वली। जैसे अगर 10% कम हो रहा है तो 10% ये छोटा होगा, ये फिर इससे 10% छोटा होगा, ये इससे 10% छोटा होगा, ये इससे 10% छोटा होगा, मतलब एक लॉगरिथम में साइज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं, पर इधर एड्रप्टली चेंज हो रहे हैं। इसका और इसका जो डिफरेंस है, ज़रूरी नहीं है इसका और इसका भी वही डिफरेंस हो, जिसकी वजह से ये चार्ट इतना एक्यूरेट नहीं है। द मोस्ट एक्यूरेट चार्ट हमारे पास कौन सा होता है? लॉगमार चार्ट होता है।
और स्नेलन जो है ये सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पजेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सही एक्यूरेटली विजन मेजर करना चाहते हैं यू शुड गो फॉर लॉगमार चार्ट। अभी तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लॉगमार सिर्फ हम लो विजन के पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि आप सिंपल रिफ्रैक्शन क्लिनिक्स भी हैं तो वहाँ पे आप लॉगमार चार्ट को लेके आएँ क्योंकि ये एक्यूरेटली मेजर करता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? अगर नहीं है तो फिर आगे मूव करते हैं। ठीक हो गया, तो हम लो विजन में कौन सा एक्सक्यूज यूज़? मी सर, जी सर मुझे ये बताएं कि जो हम 4 मीटर से हम 2 पे लेके आ रहे हैं, देन 1 पे, तो ये हम चार्ट को करीब करते जा रहे हैं जी ना, जी पेशेंट चार्ट या को पेशेंट को उसके नहीं, करीब, एक ही बात? इट मीन्स द सेम। ये मेरे पास यहाँ चार्ट पड़ा है, यहाँ पे ये पेशेंट बैठा हुआ जी है, दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। जी अब मैंने 2 मीटर पे लेके जाना जी है, आई कैन गो आइदर वे, कि क्या मैं चार्ट को इधर करीब ले आऊँ 2 मीटर पे ले आऊँ या मरीज को उठा के 2 मीटर पे ले आऊँ। बट ज़्यादा कन्वेंशनल ये होता है कि आप चार्ट जी को मूव तो करें। सर जी जी सर मैं एक बात ये पूछ रही थी कि वो जब हम लोगों ने ना फर्स्ट में प्रोटोकॉल पढ़ा था, तो उसमें हमने ये बात भी पढ़ी थी कि अगर 6x60 लेटर वो 6 मीटर से नहीं पढ़ सक रहा जी पेशेंट, जी तो आप उसको थोड़ा डिस्टेंस कम करें, सही, तो फिर वो ये सेम बात नहीं हो जाती तो सेम बात होती है ना, जैसे फोर कि मीटर बस है फोर नहीं, तो फिर स्नेलन स्नेलन की बात करूँ, फिर स्नेलन को भी हम किसी डिस्टेंस पे कर सकते हैं? नहीं, स्नेलन को जो है ना आपके पास जो प्रोटोकॉल है आप 3 फीट तक ला सकते हैं उसको, उसके बाद 2 फीट के लिए आप फिर जी काउंटिंग फिंगर की तरफ मूव करेंगे। बट स्नेलन एक्यूरेट ओके नहीं ओके होता, जैसे कि आप एक लेटर है ये बंदा बाय चांस भी पढ़ सकता है, ये आपको कह देगा जी विजन 660 है, इसकी अगर आप 660 विजन लानी है लॉग मार्क के लिए तो उसको 5 लेटर्स पढ़ने पड़ेंगे। और उसके अलावा ये ओके सर, कैलिब्रेटेड थैंक यू ऐसा होता है कि हर एक लेटर की अलग वैल्यू होती है, कोई एक लेटर पढ़ेगा उसकी अलग विजन होगी, दो पढ़ेगा उसकी अलग होगी, यूँ नहीं होगा कि हम लिख देंगे 660 पार्शल। तो इस वजह से हम लॉग मार यूज़ करते हैं, हर लेटर की ओके सर स्पेसिफिक वैल्यू है, ये आगे अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ठीक आपसे है, एक सवाल वाइवे में बिल्कुल पूछा सर जा सकता है कि लॉगमार चार्ट को हम 4 मीटर पे क्यों यूज़ करते हैं? सर, क्योंकि नॉर्मली मतलब करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल वाइज के हिसाब से। नॉर्मली हम कहते हैं टेस्टिंग डिस्टेंस 6 मीटर होना चाहिए, पहले हम 6 मीटर पे आ जाते हैं। टेस्टिंग डिस्टेंस डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी के लिए 6 मीटर क्यों ही मुंतखब किया गया है? सर उसको ना हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं कि यहाँ से आने वाली रेज जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जी दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स, बट अब आप लोग सीनियर हो गए तो थोड़ी आपकी कॉन्सेप्ट मॉडिफाई हो जाने चाहिए। कोई और कुछ ऐड करना चाहे कि वाई 6 मीटर? एनी वन कोई गैस ही कर दें, ज़रूरी नहीं है कि सही बताएं। सर रूम शायद की वजह से, अकोमोडेशन अकोमोडेशन इस्तेमाल कर रहा हो या वेरी गुड, इसमें नहीं, ये अकोमोडेशन रीज़न इस्तेमाल है। ना कर नहीं रहा हो, ये इसमें रीज़न है। हम जब अकोमोडेशन रिलैक्स होती है। अच्छा, अब माइक माइक का बंद कर दें, मैं आपको इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट दे दूँगा, विच इज़ द ट्रू कॉन्सेप्ट। अब होता ये है कि हम जब डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी मेजर कर रहे होते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि मरीज अकोमोडेशन ना यूज़ करें। अगर वो अकोमोडेशन यूज़ कर रहा होगा तो हम सही तरह से रिफ्रेक्टिव एरर को मेजर नहीं कर सकते। तो जब 6 मीटर हम डिस्टेंस रख देते हैं, यहाँ पे अकोमोडेटिव डिमांड मिनिमम होती है पेशेंट की, इस वजह से हम डिस्टेंस को 6 मीटर पे रखते हैं। अगर मैं 5 मीटर पे रखूँ तो अकोमोडेटिव डिमांड मेरे पास कितनी हो जाएगी? 0.25 स्फेरिकल डॉप्टर स्फीयर। तो पेशेंट कुछ ना कुछ 5 मीटर पे भी अकोमोडेट कर रहा होता है। अगर मैं 1/6 6 मीटर पे ले जाऊं तब ये बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। इस वजह से आप डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी चार्ट्स को 6 मीटर पे करते हैं क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेटिव डिमांड मिनिमम होती है। ये बात क्लियर होगी? ये अगर किसी को नहीं समझ आए तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सर रिपीट क्लियर करें जी? सर, मुझे ठीक है, क्लियर मैं नहीं हो जी सर जी मैं कुछ सर। रिपीट करता हूँ। हम डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी मेजर कर रहे हैं तो एज अ रूल ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि पेशेंट अकोमोडेशन ना यूज़ करे। लेट्स सपोज किसी का रिफ्रैक्टिव एरर फॉर एग्जांपल +4 है, करेक्शन आपने नहीं दी हुई, तो +4 है तो वो तो अकोमोडेशन स्टार्ट कर लेता है, अकोमोडेट करके क्लियर देख रहा होता है। अगर आप चार्ट को रखें 3 मीटर पे, आप विजन मेयर करेंगे वो अकोमोडेट कर लेगा, 3 मीटर पे कितनी अकोमोडेशन रिक्वायर्ड होगी? 1/3 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.3 डियोप्टर्स, वो अकोमोडेट करके लेटर्स को पढ़ लेगा। या आप जो रिफ्रेक्टिव एरर मेयर करेंगे उसमें 0.3 का डिफरेंस आ जाएगा, अगर चार कुरेक्शन है तो वो 3.75 आपको 6/6 उसमें पढ़ के दे रहा होगा। तो
तो हम ये चाहते हैं कि टेस्टिंग डिस्टेंस ऐसा हो जिसमें अकोमोडेटिव डिमांड मिनिमम हो, ताकि मरीज़ अगर देख भी रहा है डायरेक्टली चार्ट की तरफ तो कोई उसकी आँख सिग्निफिकेंटली अकोमोडेट ना कर रही हो। वो डिस्टेंस मिनिमम कितना होता है? 6 मीटर होता है। 6 मीटर पे अकोमोडेटिव डिमांड कितनी होगी? 0.16, जो कि निग्लिजिबल है। तो इस वजह से हम 6 मीटर डिस्टेंस ओके, रखते हैं। क्लियर हुआ यस सर। जी? तो पहली जो किसी ने रीज़न बताई थी कि 6 मीटर को ऑप्टिकल इन्फिनिटी कंसिडर किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट भी ठीक है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि विजुअल एक्टिव चार्ट 6 मीटर पे क्यों रखे गए, आप दो रीजंस दे सकते हैं। पहले तो ये आप दे दें भाई, फिजिक्स का लॉ है कि 6 मीटर से या बियॉन्ड से जो रेज आ रही हो वो पैरेलल होती हैं, तो इस वजह से पैरेलल रेज के लिए कोई अकोमोडेशन रिक्वायर नहीं होती। दूसरा आप ये कह सकते हैं, ज़्यादा अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं, कि भाई 6 मीटर पर अकोमोडेटिव डिमांड मिनिमम होती है, इसलिए 6 मीटर डिस्टेंस हमने चूज़ किया हुआ है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब 6 मीटर की हमने ये कहानी तो डाल दी, अब फिर बात आती है कि ETDRS या लॉगमार चार्ट में हमने फिर 4 मीटर पे क्यों आ गए? इसका भी यही रीजन है या कोई और? नहीं, अगर हम 4 मीटर पे बात करें तो 4 मीटर पे तो एकोमोडेशन हमने भी बात की है, 0.25 एकोमोडेशन एकोमोडेशन होगी। इसके रीज़न ये है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, लेटर्स इसमें ज़्यादा हैं, क्लोजली स्पेस्ड हैं, रेगुलर प्रोग्रेशन है। इसको अगर आप 6 मीटर पे रखेंगे तो जो मरीज 6-6 भी है नॉर्मल स्नेलन पे, वो यहाँ 6-6 नहीं पढ़ सकेगा। इसलिए ये जो डिज़ाइन है लॉगमार चार्ट का, वो 4 मीटर पे इक्वलेंट हो जाता है 6 मीटर विजुअल एक्यूटी के, इस वजह से हमने इसको 4 मीटर पर रखना है। तो ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे चार्ट्स के हवाले से, आगे देखते हैं अब कैलकुलेशंस आएंगी। अच्छा जी, ये मैंने आपसे चार्ट बोला तो आपने क्या बोला था मुझे, कौन सा चार्ट है? अगर ये चार्ट पढ़ाओ आप क्या कहेंगे, कौन सा चार्ट है? कोई अगर आपको यूँ दिखा दे जी ये चार्ट कौन सा है, ETDR लॉग, नहीं सर, ETDR अच्छा लॉगी, नहीं, हाँ ये लॉग मार्च है, ये लॉग मार चार्ट है। अच्छा, जिसने कहा लॉग मार चार्ट है, लेकिन सर उसका जी जी ETDR सर उसका अलग अच्छा नाम है सर उसका, ठीक मतलब है ठीक है मुकम्मल। ठीक है, किसी ने लॉग मार चार्ट बोला है, उससे मेरा ये सवाल है कि लॉग मार में और ETDRS चार्ट में क्या डिफरेंस है? अगर आप इसको लॉग मार चार्ट कह रहे हैं तो ETDRS चार्ट कैसे डिफरेंट है? वो तो इसकी कैटेगरी है, मतलब एक टाइप है। कैसे टाइप है? ईटीडी में तो सिर्फ ई सर बने होते हैं ना, इसलिए उसको कहते हैं। नहीं नहीं, ये मैं आपको कहता हूँ जो चार्ट सर, सामने पड़ा, ये एक ही ETDRS चार्ट है। ETDR चार्ट सर। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट सुन लें, हम वर्ड यूज कर रहे हैं लॉग मार, ये मार से क्या बनता है? MAR, किसी को अब्रिविएशन बताओ। एनीवन? सर कोई गैस ही घर में? जी सर कोई मिनिमम मिनिमम एंगल वाली बात थी, अब आगे मुझे सही एग्जैक्ट नहीं वर्ड पता जी, एम से होता है मिनिमम एंगल मिनिमम, रेजोल्यूशन था जी या जी कुछ था जी जी सर? यही है, मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, MAR से ये बनता है, मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। तो लॉग मार क्या होता है? लॉगरिथम ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। अब जो लॉग मार चार्ट हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो वो ETDRS चार्ट होगा या वो बेलीलोवी चार्ट होगा। अब ETDRS और बेलीलोवी में क्या डिफरेंस है? ETDRS में लेटर्स इस तरह के होते हैं, 4x4। 4x4 से क्या मुराद है? कि लेटर्स की लेंथ भी 4 है और उसकी विड्थ भी 4 है। अगर लेंथ और विड्थ सेम हो, कौन सी शेप बनती है हमारे पास? स्क्वायर बनती है या रेक्टेंगल बनती है? जी, स्क्वायर। स्क्वायर। और जो बेलीलोवी चार्ट है, इसमें यूं होता है कि लेंथ हमारे पास 5 होती है और विड्थ हमारे पास 4 होती है। तो ये कौन सी शेप बनेगी, स्क्वायर या रेक्टेंगल? ये रेक्टेंगल बनेगी। रेक्टेंगल सर, जी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो सबसे पहले जब लॉगमार चार्ट्स आए थे तो ETDRS चार्ट बने थे, जिसमें लेटर्स किस शेप में थे? स्क्वेयर शेप में थे। बाद में रिसर्च हुई, बेलीलोवी ने कहा कि नहीं, ज़्यादा बेहतर आप चार्ट बना सकते हैं अगर आप रेक्टेंगुलर शेप रखें। तो फिर उसने लेटर्स को 5x4 रख दिया था, रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया था। तो
हमारे पास लॉग मार चार्ट्स दो तरह के होते हैं, या ETDRS चार्ट होगा या फिर बेलिलोवी चार्ट होगा। अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि ये कौन सा चार्ट है, तो आप कहेंगे भाई ये लॉग मार चार्ट है बेस्ड ऑन ETDRS और बेस्ड ऑन बेलिलोवी। किस पे वो बेस हुआ होगा? इधर नीचे लिखा हुआ होगा चार्ट के नीचे, इस पोजीशन में लिखा होता है कि बेलिलोवी के बेस पे है या ETDRS चार्ट की बेस पे है। तो जब भी आपको ऐसा चार्ट दिखाया जाए, आपने कभी भी नहीं बोलना कि ETDRS चार्ट है या ये बेलिलोवी चार्ट है। आपने हमेशा बोलना है ये लॉगमर चार्ट है बेस्ड ऑन या फिर ETDRS या बेलिलोवी अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे लिखा होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक हो गया। उसके बाद विजुअल एक्यूटी यूनिट्स को हम कैसे चेंज करते हैं? मेरे पास एक विजन है 6x60, ये मुझे बताइएगा ये मीटर्स में है या ये फीट में है? सिक्स बाय सिक्सटी मीटर में है, फीट में है? सर मीटर में होता है 6x60। जी मीटर। इसको अगर फीट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? मल्टीप्लाई कर देंगे 6x6 के साथ। अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे 6x6 के साथ, ये मल्टीप्लाई कर दिया, आप क्या करूं? जी टू हंड्रेड कैसे आया ये मुझे कैलकुलेट, ये तो मेरे पास आ गया 6x6=36। मल्टीप्लाई सर दोनों कर रहे होते हैं ना? हाँ ना, दोनों 6x6 से कर रहे हैं ना, तो ये क्या मेरे पास आ गया, ये तो 36/360 आ गया, तो ये फीट में यूनिट होगी सर। 200 के साथ नहीं करते? नहीं 200 के साथ नहीं करते। ये याद रखिएगा जब आपने फीट में कन्वर्ट करना होगा तो आप 6/60 हमारे पास फिगर है उसको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किसके साथ? 20 के साथ। मल्टीप्लाई भी सर, डिवाइड भी करते हैं और डिवाइड भी 20 के साथ। मैंने ये पाया। तो अब विजन हम कैसे लिखते हैं फीट में? 20 बाय कुछ भी हो, 200 हो, 120 हो, कुछ भी हो, तो इसलिए हम इस 20 को एज इट इज छोड़ देंगे, सीधा यहाँ पे लिख देंगे 20। बाकी जो रेस्ट ऑफ द फिगर्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये जैसे है तो 6 ones 6 tens 60, 20 × 10 क्या होगा? 10 × 20 120 होता है या 200 होता है? 200 होता है। तो इससे हमें बात समझ आई 6x60 जो है मीटर्स में वो फीट में किसके इक्वल है? 20/200 के। ये क्लियर हो गया कैसे कन्वर्ट करते हैं या कन्फ्यूजन है किसी को तो रिपीट कर देता हूँ। सर रिपीट करें जी, इसी सर इसी बात को जी जी रिपीट करें। इसी बात को रिपीट करता हूँ। हमारे पास विजन है 6x60, हमने उसे कन्वर्ट करना है फीट में, तो उसका तरीका क्या है? 6x60 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 20/20 से। अब हम विजन जो लिखते हैं फीट में वो ऐसे होती है 20/200, 20/120 कुछ इस तरह होता है ना, तो इस 20 को एज इट इज़ हम ऊपर लिख देंगे, 20 लिख दिया, बाकी सबको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये 6 ones है तो 6 tens 20 × 10 200 आ गया, तो 6/60 किसके इक्वल है? 20/200 की। 200 ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम फीट टू मीटर्स कैसे जाएंगे। फीट में वैल्यू में लिखता हूँ, लेट सपोज मेरे पास है 20/120, अब किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? एनी गेस? मीटर से फीट में आया तो 20 से किया, अब फीट से मीटर में जाना है तो 60 से करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 6 से डिवाइड भी करेंगे। अब अगेन इसी तरह हम इस x को एज इट इज आगे लिख देंगे, बाकी सबको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 20 ones और 26 120 होते हैं और 6 6 36 आ गया, तो 20/120 किसके इक्वल है? 6/36 के इक्वल है। क्लियर हुआ ये? ये रिपीट कर दो। हो गया क्लियर सबको? ये रिपीट कर दो सर। ये जो 20 आपने कहा था 120,
120 जो ये सर डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 36 आता है सर ये मेरे पास किस तरह वो सर 36 नहीं ये हमारे पास विजन है 20 बाय 120 मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ सुन ले 20 बाय 120 किसी की विजन है कोई मुझे कहता है कि यार ये तो फीट में इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो उसका क्या तरीका है 6 से मल्टीप्लाई भी किया और 6 से डिवाइड भी कर दिया लिख दिया जी तो इस 6 को एज इट इज लिख दिया क्योंकि हम विजन मीटर में इस तरह लिखते हैं 6 बाय 66 बाय 36 इसलिए मैंने इस 6 को सॉल्व नहीं किया इसको एज इट इज लिख दिया बाकियों को सॉल्व कर दिया 21 जा 26 और 6 इंटू 6 36 तो 20 बाय 120 6 बाय 36 क्लियर हो गया 36 ओके यस सर जी अच्छा ये तो हमने कर लिया फीट टू मीटर नेक्स्ट हमारे पास है मीटर टू डेसिमल मीटर में है तो वैल्यू लेट्स सपोज मेरे पास है 6 बाय 60 डेसिमल में कैसे इसको करेंगे कोई कुछ बोलना चाहे सर सिंपली डिवाइड कर देंगे जी सिंपली डिवाइड करेंगे 6 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल डिवीजन से जी जी सिंपल इसको डिवाइड करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 0.1 आएगा तो हम क्या लिखेंगे 0.1 डेसिमल विजन है 0.1 जी अब मीटर्स टू लॉग मार है 660 को ही हम लेते हैं इसे लॉग मार में करना है आप क्या करें सर वैल्यू को उलट कर देंगे जो जी पहला 60/6 पहला स्टेप है वैल्यू को उलट कर दें ऊपर 60 लिख दें नीचे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे उसके बाद आप इनको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 60 डिवाइडेड बाय 6 10 आ गया जो आंसर आएगा उसका लॉग ले लेंगे लॉग मार नहीं बोलना सिर्फ लॉग लेना है आंसर का हमने लॉग ले लिया लॉग 10 हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा इसका मतलब है कि लॉग मार 1 कितनी विजुअल एक्विटी होगी 6 बाय 60 जी और लॉग मार 0 जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है तो इससे ये बात याद रखिएगा कि लॉग मार में वैल्यू जितनी कम होगी विजुअल एक्विटी उतनी बेहतर होगी अगर लॉग मार में मेरे पास वैल्यू है 0.4 और एक वैल्यू है 0.2 तो किसकी विजन बेहतर होगी 0.4 बेहतर होगी 0.2 0.02 होगी याद रखिएगा लॉग मार में वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतनी विजन आपकी बेहतर हो जाएगी क्यों क्योंकि 6 बाय 60 किसके इक्वल था 1 के इक्वल था और 66 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है तो इससे ये बात समझ आई हमें कि वैल्यू लॉग मार में जितनी कम हो रही है विजुअल एक्विटी उतनी बेहतर हो रही है यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें क्लियर है तो आगे चलते हैं आप कह रहे थे मतलब 660 के बराबर में सर 1 आएगा ना जी उसके बाद सर 2 2 से 0 2 लॉग मार में बात कर रहे हो जी जी सर वो फिर बहुत कम विजन हो जाएगी 6 बाय 60 के बाद अगली लाइन हमारे पास कौन सी होती है 6 बाय 36 होती है सर लॉग मार में लेकिन इस तरह ना मतलब 1 फिर 1 के बाद 09 जी जी ऐसे ही है ऐसे ही है ऐसे ही है और जब 1.1 हो जाए इसका मतलब है वो 620 से भी 660 से भी पीछे विजन चली गई है मे बी वो 690 हो ओके ओके सर ठीक हो गया यस सर जी अब ये मुझे बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एक्विटी और नियर एक्विटी आपने डिस्टेंस चार्ट्स भी देख लिए नियर चार्ट्स भी आपने देखे होंगे क्या डिफरेंस होता है सर नंबर उसमें सर नियर चार्ट में सर ओन मतलब वो नंबर लिखे होंगे ना नंबर ये सिक्स ये नियर चार्ट और डिस्टेंस चार्ट में जो होता है ना वो फर्क ये है कि नियर चार्ट होते हैं उनके साथ स्टैंड नहीं लगा होता तो दूसरे के साथ स्टैंड लगा होता है नियर चार्ट तो हम हैंड में पकड़ाते हैं हैंड अच्छा मैं ये बातें कौन कर रहा है ये अपना माइक बंद कर दें क्लास लीव कर दें जिसने और बातें करनी है अच्छा जो आपने कहा कि एक में स्टैंड लगा होता है एक में हाथ हम में पकड़ाते हैं चार्ट तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं तो चार्ट को आप स्टैंड से उतार भी सकते हैं ज़रूरी तो नहीं है स्टैंड में हो आप हाथ में भी पकड़ सकते हैं चार्ट को डिस्टेंस के ये जो डिस्टेंस है, होते हैं चार्ट्स इसमें लेटर्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं लेटर लेटर लेटर्स होते हैं
कैपिटल होते हैं या छोटे स्मॉल लेटर्स होते हैं? सर कैपिटल होते हैं। कैपिटल होते हैं जी। नियर एक्विटी चार्ट्स आप देखेंगे वो कैपिटल होते हैं या स्मॉल लेटर्स में होते हैं? स्मॉल स्मॉल लेटर्स में होते हैं। वहाँ पे अलग अलग लेटर होता है या वर्ड्स होते हैं? वहाँ वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स भी होता है सर, लेटर जी अलग भी होते हैं पर वर्ड्स वाले भी होते हैं। अब वर्ड्स वाला एक वर्ड लिखा हुआ है यस सर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लाइक लिखा हुआ है ना, तो यस सर जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा वर्ड पढ़ें। आप जब पढ़ रहे होंगे नियर में ब्यूटी तक ही आपने अगर पढ़ा तो आपके माइंड में आ जाएगा कि वर्ड पूरा ब्यूटीफुल होते हैं तो आप ब्यूटीफुल पूरा पढ़ लेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि डिस्टेंस एक्विटी और नियर एक्विटी एक जैसे नहीं होते। हम वर्ड तो यूज़ करते हैं कि नियर एक्विटी इतनी है, N5 है, N6 है, पर ये एक जैसे नहीं होते। क्यों? यहाँ पे कैपिटल लेटर्स हैं या स्मॉल लेटर्स हैं, यहाँ सिर्फ लेटर होगा, यहाँ वर्ड्स होंगे। तो इसलिए नियर एक्विटी की जगह वर्ड आपने क्या यूज़ करना है? रीडिंग एक्विटी। बेसिकली हम पढ़ रहे होते हैं। ये बात समझ सर, जो मतलब प्रेस्बायोपिक पेशेंट होते हैं सर, उनको फुली करेक्शन तो नहीं दे सकते ना? क्यों मतलब फुली करेक्शन क्यों नहीं दे सकते, वही पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि नंबर बढ़ने का भी चांस मतलब मजीद हो सकता है। ये कहाँ पढ़ लिया? नहीं सर मैं कुछ पूछ रहा हूँ सर। अच्छा नहीं, ये उसमें हम फुल जो उसको करेक्शन रिक्वायर्ड होती है वो आप देते हैं। प्लस वन से स्टार्ट होता है और ढाई पे जाके खत्म होता है। फुल करेक्शन दें, हाफ करेक्शन दें, बात ढाई पे जाके ख़त्म होगी 55 साल में। ओके सर। अच्छा जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था वो समझ आया कि नियर एक्विटी की जगह आपने वर्ड क्या यूज़ करना है? रीडिंग एक्विटी। क्लियर है बात? यस सर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हमने लॉग मार्क कैलकुलेशंस देखनी है। लॉग मार्क में हमने क्या कहा था, 660 किसके इक्वल है? 660 सर जी, वो 1 के सर, 1 के इक्वल है। जो 660 से दूसरी लाइन होगी नीचे वाली वो 0.9 के इक्वल होगी। यस सर। जो उससे नीचे होगी वो 0.8 की होगी। 8। जो उससे नीचे होगी वो 0.7 की होगी। 0.7। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है पर लाइन, 1 में और 0.9 में कितना फर्क है? सर एक जी जी बोल, एक बंदा बोल रहा है 0.1। इससे हमें पता चला कि लॉग मार की एक लाइन की वैल्यू कितनी होती है? 0.1 जी। यस सर। और एक लाइन में कितने लेटर्स हैं? 5 हैं। तो एक लाइन की वैल्यू 0.1 है, एक लेटर की वैल्यू कितनी होगी? 0.02। अगर हमारे पास 5 लेटर हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है SIDOK, तो इस पूरी लाइन की वैल्यू कितनी है? 0.1 है। 0.1 मतलब 5 लेटर्स की हुई, तो एक इंडिविजुअल लेटर की कितनी होगी? 0.02। ये बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, अब हम आगे अपने मेन टॉपिक पर जाते हैं कि कैलकुलेशंस करनी कैसे। दो रूल्स हमारे पास होते हैं, एक रूल है SLMA, दूसरा हमारे पास है LARS। S का मतलब है सेम, L का मतलब है लाइन, M का मतलब है मिसिंग, और A का मतलब ऐड। जी जी, सेम लाइन मिसिंग ऐड। और ये कौन सा रूल है बताएं ना, पढ़ा है तो LARS कौन सा रूल है? लाइन अबव रीडिंग सबट्रैक्ट। जी, अब मैं आपसे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, अगर ना हुआ तो फिर उसमें हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे। मेरे पास है ये लाइन 0.8 लॉग मार की, लेटर्स हैं यहाँ अगेन SITOS। मरीज ने 3 लेटर्स पढ़े, क्या विजुअल एक्विटी होगी? कैलकुलेट करके बताएं सर। वो 0.04 को इससे प्लस करते हैं 0.8 से। आंसर बताओ ना, यू मिसिंग लेटर्स हैं ना, तो क्या आंसर होगा? वैल्यूज को 0.8 लाइन तो बता दे कौन सी। 0.8 है यार ये लिखा हुआ है। 0.84। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहे? सर 0.84। और कोई कुछ बोलना चाहे जो 0.84 के अलावा कुछ बोले? ये सब का इत्तेफाक है 0.84 में।
यस सर जी, इसका लॉग यूनिट में तो यही आएगा जी, इसका यही आंसर है 0.84। आप इस रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जिससे करेंगे आंसर अब आपके पास सेम आएगा जी। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डिस्टेंस ऑफ लॉगमार चार्ट? लॉगमार चार्ट हमारे पास 4 मीटर्स पे होता है, अगर मैं उसको 2 मीटर पे लाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 पे लाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 4 मीटर पे विजुअल एक्विटी वाली लाइन है मेरे ख्याल से 6x60। लेट्स सपोज अगर 6x60 को मरीज 2 मीटर पे पढ़ रहा हो, उसकी विजन कितनी हो जाएगी? जी एनी गेस? नो गेस? कोई गेस नहीं करना चाह रहा? जी समझ नहीं आया। अच्छा मैं पूछता हूँ, मैं बताता हूँ, हमारे पास लॉगमार चार्ट है 660 वाली, इसकी लाइन है सबसे टॉप वाली ना, तो वो तो 660 तब लिखते हैं जब वो 4 मीटर से पढ़े। अगर वो 4 मीटर पे नहीं पढ़ रहा, मैं चार्ट को ले आया हूँ 2 मीटर्स पे, और यहाँ वो 660 लाइन पढ़ रहा है, अब मैं उसकी विजन 660 तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, क्योंकि 660 तब होगी जब वो 4 मीटर पे पढ़ेगा, तो 2 मीटर पे क्या विजन लिखूंगा? 6x60 की विजन क्या हो जाएगी? 6x120। सब ने बोल रहे हैं 6x120। 6x120 क्यों होगी अब ये बता दें सर, क्योंकि ऑफ हो गया ना 2 मीटर, आप चार्ट को आगे लाएं ना। जी जी, तो उसको सर माइनस, ठीक हो गया। जब आप डिस्टेंस हाफ करते हैं तो विजुअल एक्विटी भी डबल हो जाएगी। 6x60 क्या हो जाएगी? 6x120। और अगर मैं इसको 120 सर उसमें ऐड कर दें जी, और अगर मैं इसको 1 मीटर पे ले आऊं फिर क्या होगी विजन? सिक्स बाय सिक्सटी वाली लाइन वो 1 मीटर से पढ़ रहा है, तो 240 जी, जो 120 आप इसको डबल करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 6x240 जी। अब एक और एग्जांपल करते हैं, हमारे पास विजन है 6x30, ये तो 4 मीटर पे है, अगर 6x30 वाली लाइन वो 2 मीटर पे पड़ रहा है, क्या विजन लिखो? सर 6x60 होगी, और अगर 1 मीटर पे है तो क्या लिखो? डबल करना है ना, तो वो 120 हो जाएगा, 6x120। ये बात आपको समझ आ गई कि किस तरह हम विजन के यूनिट चेंज कर रहे हैं? यस सर, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा ये तो था मीटर में या फीट में, अब अगर हमने लॉगमार में करना है। यस सर। हमारे पास लाइन है 0.8 वाली, 0.8 वाली लाइन वो तो वो 4 मीटर पे पड़ेगा, तब मैं 0.8 लिखूंगा। अगर वो 0.8 वाली लाइन पढ़ रहा है 2 मीटर पे, तो क्या विजन लिखूंगा? जी हम ये बात कर रहे थे कि 0.8 लाइन है 4 मीटर्स पे, तो तब तो आपने 0.8 लिख दिया। अगर 2 मीटर्स पे 0.8 वाली लाइन पढ़ रहा है पेशेंट, तो हम क्या विजन लिखेंगे? एनी गेस? इसमें 0.6 ऐड कर लेते हैं विजुअल एक्यूटी में। 0.6 ऐड करते हैं? सॉरी 0.3। जी आपने क्या करना है, सिंपली 0.3 को ऐड कर लेना है। अब 0.8 प्लस 0.3 हमारे पास क्या आएगा? 0.11 नहीं, 1.1 आएगा। जी यस सर, 1.1। अब 2 मीटर, अब हम 2 मीटर से 1 मीटर पे शिफ्ट हों, तो फिर आप क्या करेंगे? फर्दर 0.3 ऐड कर दें। 0.6 इससे बात कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ, मैं 4:1 नहीं आया, मैं 2:1 की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगेन 0.3 ऐड करूँगा, तो 1.1 प्लस 0.3 1.4। ये बात समझ आई? अगर किसी को नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सर मुझे नहीं आया जी, मैं रिपीट करता हूँ। 4 मीटर पे हमारे पास लाइन है 0.8 लॉगमार, अगर मैं इसको 2 मीटर पे ले आया हूँ, तो उसका क्या तरीका है? मैं सिंपली 0.3 इसमें ऐड कर दूंगा, 0.8 था तो 0.3 ऐड कर लिया, 1.1 आ गया। 2 से मैं 1 इसको 1 पे ले आया हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? अगेन 0.3 ऐड कर दूंगा, वैल्यू क्या मेरे पास आ गई? 1.4। तो जब हम डिस्टेंस हाफ करते हैं, हमने ऐड कितना करना है? 0.3। क्लियर हो गया अब? यस सर।
अच्छा ये तो था कि डिस्टेंस हाफ करना है, अगर मैं बात करूं जी 4 मीटर पे 0.8 है तो मैं डायरेक्ट अगर उसको 1 मीटर पे ले आऊं फिर क्या विजन होगी? तो अब हम हाफ से भी हाफ में चले गए तो मैं 0.6 ऐड करूंगा, मींस कि टोटल सर 0.9 ऐड कर दिया है ना। 0.9 कैसे ऐड कर दिए? एक लाइन का 0.3 है ना, 0.6 ऐड कर दिया, एक डिस्टेंस का 0.3 है ना, तो डबल अगर दो दफा काम कर दिया तो 0.6 ऐड कर लूंगा, तो 0.8 में 0.6 ऐड करूंगा, आंसर मेरे पास 1.4 ही आएगा। ओके सर। इसी तरह ये एग्जांपल दी हुई जी, पूछें सर मैं ये पूछ रही थी कि 1 मीटर पे यानी 0.6 ऐड हो गया और जब हम हाफ मीटर पे आ गए तो 0.9 ऐड हो जाएगा ना। अगर 4 मीटर से डायरेक्टली आप हाफ उस पे आएंगे हाफ मीटर पे तब 0.9 ऐड होगा। ठीक हो गया? यस सर जी। यहां ये एग्जांपल दी हुई है, अगर सर फिर इसी तरह अगर मतलब 4 में से 1 में आ जाए तो 0.6 ऐड हो जाएगा जी। बिल्कुल, आप इसको अगर ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं आप यूँ लिख लें कि 4 to 2 पे आएंगे तो हम वी विल ऐड 0.3, 4 to 1 आएंगे तो वी विल ऐड 0.6, 4 to 1/2 पे आएंगे तो यू विल ऐड 0.5। जैसे भी आपको ज़्यादा आसान लगता है आप उस तरह करके इसको याद कर सकते हैं। ओके सर। 0.9 जी, 0.9 4 से हाफ मीटर पे आएंगे तो 0.9। अब 6.6 लाइन है लॉग मार में 4 मीटर्स पे, तो ये 2 मीटर्स पे 0.9 हो जाएगी, 1 मीटर पे 1.2 हो जाएगी। तो इस तरह हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब ये जो कैलकुलेशंस हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं, स्नेलन में ऐसे हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हम लॉग मार चार्ट लो विजन में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मरीज़ की हो सकता है सिर्फ एक वर्ड इम्प्रूवमेंट हो, ज़्यादा कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होती कि 4 लाइनें इंप्रूव कर जाएंगी। तो लॉग मार से आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो कि अभी अगर उसकी विजन आई आपके पास 1.1 तो नेक्स्ट विजिट में अगर उसकी आ गई है 0.9 तो आप बकायदा कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी कितने वर्ड्स या कितने लाइंस बेहतर हुई है। तो इस वजह से हम लॉग मार चार्ट्स को लो विजन में प्रेफर करते हैं। ये लेक्चर हो गया आपका कंप्लीट, विजुअल एक्यूटी के लिहाज से कोई सवाल है तो पूछ लें। सर ये जो लास्ट वाला आपने बताया कि लॉगमार्क को हम अच्छा मैं ये बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास लाइन है, एक मिनट में ज़रा ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास लाइन है 0.8 की ना, तो 0.8 तो तब होता है जब वो 5 के 5 लेटर्स पढ़ दे। अगर वो 4 लेटर्स पढ़ेगा मैं उसकी विजन क्या लिखूँगा, 0.82। अगर वो 2 लेटर्स पढ़ता है तो मैं लिखूँगा 0.84, 3 पढ़ा 0.86, इस तरह मतलब उसके लेटर्स मतलब 0.02 के डिफरेंस से मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरह आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। एक बार उसकी विजन रिकॉर्ड आपने की 0.82 है लेट्स सपोज, उसके बाद फिर आपने उसकी रिफ्लेक्शन की तो वो आ गई 0.8 पे आ गई, तो आप एक लेटर की भी इम्प्रूवमेंट को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि 0.82 से 0.8 एक लेटर की इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप स्नेलन से कर रहे हैं लेट्स सपोज 0.8 वाली जो लाइन है उसमें 4 लेटर्स हैं STOS, तो पहले उसकी 2 लाइनें वो पढ़ रहा था, वो 3 लफ्ज पढ़ ले तो आप ख़ास कुछ लिख नहीं सकेंगे, आप वही लिखेंगे जैसे 6/36 है तो -1 या 6/36 तो पार्शल, तो आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। लॉग मार में आप हर एक लेटर की वैल्यू होती है 0.02, तो बकायदा आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि पहली बार आया तो इसने कितने लेटर्स पढ़े, दूसरी बार आया तो कितने पढ़े, इस तरह होते। कुछ क्लियर हुआ अभी? लॉग मार में मतलब ई चार्ट भी आते हैं? नहीं मतलब सेम इसमें लॉग मार में मैंने तो ये देखे हैं वर्ड्स वाले ही देखे, पर आप ई चार्ट भी डिजाइन कर सकते हो जो इलिटरेट के लिए नहीं होता, वो भी आप डिजाइन कर सकते होते हैं, मैंने ये वो भी देखे हुए। सर तो बेटर तो वैसे ये है ना कि हम अगर सिंपल लॉगमार की सॉरी स्नेलन की जगह हम लॉगमार भी रख सकते हैं ना फिर। हाँ आप अगर आप कोई सेटअप आप खोल रहे हैं तो यू शुड गो फॉर अ लॉगमार चार्ट, दिस इज मोर एक्यूरेट देन स्नेलन। ओके सर जी। और कोई सवाल नहीं है तो फिर बस करते हैं। ऑल क्लियर सर। ये कोई पूछ रहा है कि पहले एक पेशेंट जो फर्स्ट लाइन के सब लेटर्स रीड कर लेता है तो उसकी विजुअल एक्यूटी आप 1 लिखेंगे, वो जो स्लाइन की वैल्यू होती है वही होती है ना फिर। बिल्कुल
ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर, सर इसकी रिगार्डिंग जी 0.8 से 1.1 और 1.4 ये रिपीट करें जरा। 0.8 से, अच्छा ये बात हम कर रहे थे कि हमारे पास अगर ये है 4 मीटर पे चार्ट, तो 0.8 वाली लाइन है, अगर मैं इसको हाफ डिस्टेंस कर दूं 2 मीटर पे ले आऊं, तो उसमें अब लॉग मार में चेंज कैसे करेंगे आप? 0.3 इसमें ऐड कर देंगे, 0.8 प्लस 0.3 1.1। अब 2 मीटर से 1 मीटर पे आ गए, फिर क्या करेंगे इसमें? अगेन 0.3 ऐड कर देंगे। तो एज अ रूल क्या है कि जब आप डिस्टेंस हाफ करते हैं 0.3 ऐड आप करेंगे, डिस्टेंस हाफ को हाफ कर लेंगे डायरेक्ट 4 से 1 मीटर पे आ गए 0.6 ऐड करेंगे, और 4 मीटर से आप डायरेक्ट 0.5 पे आ गए तो आप 0.9 ऐड करेंगे। दूसरे जो हम लिख रहे थे जैसे 6/60 है, यहाँ तो सिंपली आपने कह दिया भाई ये 6/120 हो गया, डबल हो गया, बट लॉग वायर में डबल नहीं होता क्योंकि लॉगरिथम यूज़ हो रहा है, उसमें आपने 0.3 ऐड करना है। यू आप नहीं कह सकते कि 0.8 है और 1.6 है तो 1.6 जो है वो डबल होगा 0.8 का, ये ज़रूरी नहीं है या ये गलत है क्योंकि इसमें लॉगरिथम यूज़ हो रहा है। ठीक है सर जी, समझ आ गया। ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।